फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है उसके सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसके जितने भी फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उनको यूज़ करना है। इसमें जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, जो हम किसी भी वेक्टर का हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी हमें उसमें फुल वेक्टर दिया हुआ होगा, थीटा दिया हुआ होगा, तो हम उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें ए फुल वेक्टर और थीटा दिया हुआ हो तो हम ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा के ज़रिए इसका वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें अगर उसके वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, वो दिए हुए हों तो इनकी मदद से हम फुल वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद हमें अगर दो कंपोनेंट्स दिए हुए हों तो हमने उस वेक्टर की जो उनका असल वेक्टर है, फुल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, इस फार्मूले से हम उनकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जो पोजीशन वेक्टर का फार्मूला है वो आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे होता है, तो हमने अगर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो आर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, फिर हमने अगर दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हों उनके दरमियान में हमने एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम साइन वाला फार्मूला मोस्टली यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें एन यूनिट वेक्टर यूज़ हो रहा होता है, तो हम कॉस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसमें आप क्या करेंगे, कॉस थीटा फाइंड करने के लिए जो ए और बी की मैग्नीट्यूड्स हैं उनको आप लेफ्ट पे लेकर जाके ए डॉट बी पे डिवाइड कर देंगे, तो ये ए डॉट बी जो होता है वो इक्वल होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए इंटू मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इसमें ए और बी जो हैं वो ए और बी की मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इनको मज़ीद कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे एंड प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा एन, ए क्रॉस बी जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद टार्क का फार्मूला जो है, इसमें हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे, एक सिंपल टी इज इक्वल टू एल एफ है, एल जो है किसी भी बॉडी की लेंथ है जिसने किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमना हो, और एफ जो है इसके ऊपर अप्लाइंग फोर्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है आर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन, क्योंकि टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए साथ एन का यूनिट वेक्टर आ रहा है, आर जो है इसके अंदर मोमेंट आर्म है, एफ जो है इसके अंदर फोर्स है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन है ऑफ द इक्विलिब्रियम समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, और सिमिलरली समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड सेकेंड कंडीशन है समेशन ऑफ टार्क इक्वल टू ज़ीरो। ये चंद फार्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिनमें हमने ये फार्मूलाज जो है वो यूज़ करने हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो है 2.1, इसमें क्या है कि सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द टिप पॉइंट पी माइनस टू माइनस थ्री, एंड इसमें एक पॉइंट है इसका टेल पॉइंट है माइनस टू माइनस थ्री, और दूसरा पॉइंट जो है टिप है एट क्यू थ्री और नाइन, तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइन करना है हमने, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो पोजिशन वैक्टर्स में से जो बाद वाला वैक्टर है उसमें से हम फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं। ठीक है, अब हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं पी माइनस टू माइनस थ्री हैं और क्यू जो है वो थ्री और नाइन है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी आर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है पी, उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको हम आर वन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा माइनस टू, और माइनस थ्री को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस टू आई माइनस थ्री जे। सिमिलरली जो सेकेंड पॉइंट क्यू है उसके जो पॉइंट्स थ्री और नाइन हैं उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और इसके वेक्टर को हम आर टू से शो करेंगे, ये आएगा थ्री आई प्लस नाइन जे। अ
अब हमने इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। उस डिस्टेंस को हम ए वेक्टर से शो कर रहे हैं। ए वेक्टर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, यानी सेकेंड वैक्टर में से हमने फर्स्ट वैक्टर माइनस करना है। थ्री आई प्लस नाइन जे में से हमने माइनस करना है माइनस टू आई माइनस थ्री जे। ठीक है, तो इसमें हम जो आई वाला कंपोनेंट है उसमें से आई वाला कंपोनेंट माइनस करेंगे, और जो जे वाला कंपोनेंट है उसमें हम जे वाला कंपोनेंट माइनस करेंगे। और ब्रैकेट को खोलने से बाहर माइनस की वजह से अंदर वाला सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा थ्री आई प्लस टू आई फाइव आई और नाइन जे प्लस थ्री जे ट्वेल्व जे। तो हमारा जो पोजिशन वैक्टर है फाइव आई प्लस ट्वेल्व जे हो गया। तो हमने इसका क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यानी हम इसके कंपोनेंट्स का स्केयर लेके इसको ऐड करेंगे। ये आएगा ए की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू फाइव स्केयर प्लस ट्वेल्व स्केयर अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो थर्टीन जो है वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसमें हमने थर्टीन के साथ जो इसका यूनिट है लाजमी लिखना है। डिस्टेंस के केस में इसका यूनिट जो है वो मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.2, इसमें क्या है कि सर्टन कॉर्नर ऑफ ए रूम इज सेलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस, इसमें जहाँ पे वो कट कर रहे होते हैं वो उसका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे हम रूम का जो कॉर्नर है उसको एज ए ओरिजिन ले रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो जीरो जीरो होते हैं। इफ़ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल, एक इंसेक्ट जो है वो इसके साथ वाली दीवार पे एडजेसेंट वॉल के ऊपर क्रॉलिंग कर रहे हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टू और वन है, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। उस इंसेक्ट का जो पॉइंट है टू और वन, उस पॉइंट का डिस्टेंस हमने रूम के कॉर्नर से यानी ओरिजिन से हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें डेटा लिखेंगे जो उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं टू और वन, और फिर हम इसका डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसमें आपने डायग्राम बनानी है, इसमें आपने ओरिजिन शो करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो हैं, और साथ आपने पॉइंट शो करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स टू और वन है, जहाँ पे इंसेक्ट जो है क्रॉलिंग कर रहा है। और फिर इसका पोजिशन वैक्टर जो है उसको हम आर से शो कर रहे हैं। आर के जो वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसको, ये आएगा टू आई प्लस वन जे। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजिशन वैक्टर आर जो है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो आई कंपोनेंट्स का स्केयर यानी एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर लेके हमने इनको ऐड करना होता है। ये आएगा टू का स्केयर प्लस वन का स्केयर अंडर रूट, ये फाइव का अंडर रूट लेंगे हम इसमें, तो 2.24 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास थर्ड, व्हाट इज़ द यूनिट वैक्टर इन द वैक्टर ए इज इक्वल टू फोर आई प्लस थ्री जे। इसमें हमने हमें वैक्टर जस्ट दिया हुआ है, इसको हमें डाटा के फॉर्म में लिखेंगे और फाइंड हमने करना है यूनिट वैक्टर। यूनिट वेक्टर के ऊपर हमने कैप जो है वो लाजमी लगानी होती है, और इसका फार्मूला होता है फुल वेक्टर ए को हम उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। तो फुल वेक्टर ए हम लिखेंगे 4i प्लस 3j, और मैग्नीट्यूड हमारी मर्जी है, हम इसको अलग से फाइंड कर लें और फिर इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें, या इसको हम साथ साथ स्टेप बाई स्टेप फाइंड करें। यहाँ पर हम साथ साथ स्टेप बाई स्टेप फाइंड कर रहे हैं। तो ए की मैग्नीट्यूड जो है यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेके इनको ऐड करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे 16 प्लस 9 25 आएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो 4i प्लस 3j ओवर 5, इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं 4 बाई 5 इंटू आई प्लस 3 बाई 5 इंटू जे, या इसका इकट्ठा भी लिख सकते हैं। दोनों केसेज में हमारा आंसर जो है वो ठीक होगा। उसके बाद 2.4 जो क्वेश्चन है इसमें, ये टू पार्टिकल्स हैं उनका, दे आर लोकेटेड एट आर वन इक्वल टू थ्री आई प्लस सेवन जे एंड आर टू इक्वल टू माइनस टू आई प्लस थ्री जे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर टू माइनस आर वन एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। हमने इनका डिफरेंस लेना है आर टू माइनस आर वन, फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, और इसका जो विद एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है थीटा, हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैक्टर्स की डिफरेंस लेंगे, इनका आर टू में से हम आर वन वैक्टर माइनस करेंगे। ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस फोर आई माइनस फोर जे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट जो हैं वो आई वाला और जे वाला वो माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होता है लेकिन वाई वाला पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और फोर्थ में जो है वो एक्स वाला पॉजिटिव होता है और वाई वाला नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप पहले इस आर टू माइनस आर वन वैक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी माइनस फाइव का स्केयर प्लस माइनस फोर का स्केयर अंडर रूट, और फिर इनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे 6.4 आ रहा है, इसके साथ आपने मीटर लाजमी लिखना है। उसके बाद हमने इसमें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैक्टर लाई ना करता हो तो फिर हम उसमें थीटा की जगह पर फाई लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम उसका एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है विद एक्स एक्सिस वो थीटा होता है वो हम फाइंड करते हैं।
पहले हम फाइव फाइंड करेंगे, यानी टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, 4/5, टेन इनवर्स 4/5। तो आपने कैलकुलेटर पे 4 और 5 को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका आपने शिफ्ट दबा के टेन फाइंड करना है, तो टेन इनवर्स आ जाएगा, 39 हमारा आंसर आ रहा है। तो फिर हमने थीटा फाइंड करना है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट से ऊपर तक यानी सेकंड क्वाड्रेंट तक जो ये है वो इसका जो आंसर आएगा वो 180 होगा सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट से ऊपर तक जिसका आंसर होगा वो 180 होगा। तो 180 में आपने ये 5 जो है वो ऐड करना है, तो 180 प्लस 39 हमारा जो आंसर है वो 219 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो थीटा है एक्चुअली वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो 219 होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.5, इसमें क्या है कि इफ़ बी इज़ एडेड टू अ वेक्टर ए, यानी हमने वेक्टर ए को बी के अंदर ऐड, बी को वेक्टर के वेक्टर बी को हमने ए के अंदर ऐड किया, जो हमारा आंसर है वो 6i + j आ रहा है। अगर हम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ए तो फिर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -4i + 7j। तो हमने ए की मैग्नीट्यूड जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम ए बी को ए के अंदर ऐड कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी जो है उसका आंसर 6i + j आ रहा है, और ए माइनस बी जो है उसका आंसर -4i + 7j आ रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखेंगे और इनको हम ऐड करेंगे, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ए और ए जो है ऐड होके 2a हो गया, और इस साइड राइट साइड पे 6i - 4i 2i आ गया, और i + 7j जो है वो 8j हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे जो इक्वेशन टर्म है उनमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर i + 4j आएगा, और हम दोनों साइड पे 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो a विल बी इक्वल टू i + 4j। तो हमने ये वैक्टर फाइंड कर दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हमसे कि वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर ए, ठीक है। तो वैक्टर ए की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए हमारा आ रहा है i + 4j, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका जो आंसर है वो 4.12 आ रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6, उसमें हम देखते हैं कि ए वैक्टर दिया हुआ है 2i + 3j, और वैक्टर बी दिया हुआ है 3i - 4j। हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है, जो मैं नीचे दिए हुए हैं पार्ट ए में दिया हुआ है हमें c = a + b, यानी पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे, वो एक वेक्टर c आएगा, फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सिमिलरली b पार्ट में भी ऐसे ही होगा। तो हमने c फाइंड करने के लिए a और b को ऐड करना है, ठीक है। तो c a और b को ऐड करेंगे, तो 2i + 3j + 3j - 4 3i 2i + 3j + 3i - 4j, ठीक है। तो 2y और 3i को हम ऐड करेंगे, या फिर उन्होंने i की जगह पे जो है सेकंड वेक्टर में 3j लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3i आएगा, ठीक है। तो 2y + 3i ये 5i हो गया, और 3j - 4j का आंसर -j हो गया। ये वेक्टर c हमने फाइंड कर लिया a और b को ऐड करके। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स की जो है दोनों कंपोनेंट्स की को यूज़ करके हम c की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो 5 का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट जो है -1 है, तो -1 का स्क्वायर लेंगे, और इनको स्केयर लेके इनको ऐड करके इसका अंडर रूट लेंगे, तो 5.1 आंसर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो है c = 5i - j के अंदर जो इसका x कंपोनेंट 5 है वो पॉजिटिव है, और जो इसका y कंपोनेंट -1 है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, x अगर पॉजिटिव हो और y अगर माइनस में हो, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हमने इसका पहले फाई एंगल फाइंड करना है, टेन फाई इक्वल टू c/y/c/x, और फाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स c/y/c/x। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये टेन इनवर्स 1/5 आएगा, यानी 1/5 आप इनको डिवाइड करके 1 और 5 को जो आंसर आएगा उसको शिफ्ट दबा के आपने टेन दबाना है, तो कैलकुलेटर में आपका आंसर जो है वो 11 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद थीटा फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो वैक्टर है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक फर्स्ट लाइन का ऊपर वाला एंगल और जो नीचे वाला एंगल है यानी फुल एंगल जो है वो 360 होता है, उसमें से हमने जो हमारा आंसर 5 आ रहा है वो हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा 349 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हमें डी वेक्टर चाहिए, यानी कि हमने 3 को ए से मल्टीप्लाई करना है और बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को माइनस करना है, तो 3 × a वेक्टर लिखेंगे, 2i + 3j -2 × b वेक्टर लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट्स को खोल के 3 और 2 को ब्रैकेट्स के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5i + 9j - 6i + 8j इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो इसमें आएगा
फाइव आई माइनस सिक्स जे, सॉरी यहाँ पे थ्री इंटू टू आई जो है वो सिक्स आई आ रहा है। यहाँ पे स्टार्ट में फर्स्ट टर्म में फाइव आई लिखा हुआ है, यहाँ पे सिक्स आई आएगा, तो सिक्स आई माइनस सिक्स आई जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नाइन जे प्लस एट जे सेवनटीन जे आएगा। तो इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म में इसको ले लिया। फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी इसमें एक्स कंपोनेंट तो जीरो है, जस्ट वाई कंपोनेंट है, तो उसका हम स्क्वायर लेके इसका अंडर रूट लेंगे तो 17 ही आंसर आएगा। और फिर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इसमें वाई कंपोनेंट 17 है और एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो है, क्योंकि हमने वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करना होता है, जो हमारा आंसर है वो इन्फिनिटी आएगा। इसका हम टैन इनवर्स लेंगे तो वो 90 एंगल आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो है पॉजिटिव थे इसलिए हमारा थीटा जो है वो फाइव दोनों सेम होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो आप देख सकते हैं 2.7 क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए इक्वल टू फाइव आई प्लस जे प्लस एंड बी इज इक्वल टू टू आई प्लस फोर जे, ठीक है। तो इनके दरमियान में हमें एंगल फाइंड करना है, तो इनके दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए हमने पीछे फार्मूलाज में फार्मूला पढ़ा था कि हमने कॉस वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो हमने 5i प्लस j और 2i प्लस 4j का हमने डॉट लेना है, तो उसमें हमने i कंपोनेंट को i कंपोनेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है और ये बताया हुआ है कि जो i डॉट i वाला और j डॉट j वाला कंपोनेंट है या k डॉट k वाला कंपोनेंट है, उनका आंसर जो है 1 आता है, और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हों तो उनका डॉट जो है वो 0 आता है। तो बस इसमें जो है वो आई वाले के साथ जो है हमारा फाइनल आंसर आएगा और जे वाले के साथ, ठीक है। तो इसमें आप ए डॉट बी लेंगे तो 5 इंटू टू 10 और 1 इंटू फोर 4, तो 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 जो है हमारा आंसर ए डॉट बी का आ रहा है। इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे डॉक्टर ए की, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेके इनका ऐड करना है, इनको अंडर रूट लेंगे इसके बाद तो 5.1 आंसर आ रहा है। सिमिलरली हम वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेके इनको ऐड करके इनका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 4.5 आ रहा है। हमने ये सारी ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू और ए डॉट बी जो हमने फाइंड किया 14, ये सारी वैल्यू जो है हमने फार्मूला के अंदर पुट करनी है। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 14 ओवर 5.1 इंटू 4.1। तो स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते वक्त, कि जैसे यहाँ पे अब ये 14 है और नीचे हमारे पास 5.1 और 4.1 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपने कैलकुलेटर पे 14 लिख के उसको डिवाइड करना है 5.1 पे और फिर उसको मज़ीद डिवाइड करना है 4.15 पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 14 लिख के इसको 5.1 से डिवाइड करते हैं और फिर 4.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपका जो फिर इसका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमने इसको दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर जो है वो कॉस थीटा का 0.61 आ रहा है। तो थीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.61, क्योंकि कॉस को हम राइट पे लेके आएंगे, यानी 0.61 का हमने शिफ्ट दबा के कॉस दबाना है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा एंगल जो है 52 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद 2.8 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू 3i प्लस 2j मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 माइनस 1 टू पॉइंट 64। यानी एक तो हमें फोर्स दी हुई है वेक्टर फॉर्म में और जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और मोमेंट आर्म लेना है हमने, तो वो दो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले फार्मूला देखते हैं कि हमें वर्क फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है एफ डॉट डी, ठीक है। डी जो है डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं उसमें से हमने फाइनल पॉइंट में से हमने इनिशियल पॉइंट जो है वो माइनस करना है, 64 में से हमने 2 माइनस 1 माइनस करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 4.5 आ रहा है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 4i प्लस 5j। फिर हम इसको वर्क वाले फार्मूले में यूज़ करेंगे तो एफ डॉट डी, एफ का वैक्टर लिखेंगे डी का वैक्टर लिखेंगे, इन दोनों को डॉट लेंगे, और डॉट लेते वक्त मैंने बताया अभी आपको कि हमने आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है और जे वाले को जे वाले से। तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 5 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 जाऊ जो है हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें शो करना है हमने कि 3 वैक्टर्स दिए हुए हैं आई प्लस जे प्लस के
और 2i-3j प्लस के और 4i+j-5k, ये हमने शो करना कि तीनों वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जिनके हम नाम रखते हैं कोई से भी, फर्स्ट वेक्टर जो है उसको हम नाम ए रखेंगे i+j+k, और सेकंड वेक्टर का नाम बी रखेंगे इक्वल टू 2i-3j+k, और जो थर्ड वेक्टर है उसका नाम हम सी रखेंगे 4i+j-5k। और फिर हमने इनमें तीनों में से कोई से दो वेक्टर्स देके उनका हमने डॉट लेना है। तो अगर हमारा आंसर जो है वो 90 का आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों वैक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जब डॉट लेते हैं तो उसमें कॉस एंगल जो बन रहा होता है 90 का बन रहा होता है, और कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है, जो हमारा आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए डॉट बी लें या बी डॉट सी लें या सी डॉट ए लें, तीनों का आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, तो उसका मतलब है कि वैक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम ए डॉट बी लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, और जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो जो है इनका आंसर जो है आई डॉट आई का आंसर 1 होगा, जे डॉट जे का भी, और के डॉट के का आंसर भी 1 होगा। तो हमारा आंसर 2-3+1 सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है। सिमिलरली इसमें हमने बी डॉट सी का लिया तो इसका आंसर भी 0 आ रहा है, और सी डॉट ए का भी हमने लिया तो इसका आंसर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तीनों कंपोनेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10 वाला, उसमें हमें वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं, हमने लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी। ये ए की बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, यानी हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर ए और बी लिखेंगे डाटा में, फिर हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है ये हम लिखेंगे, फिर हमने ए और बी का डॉट लेना है सॉल्यूशन में। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, इसमें ए राइट साइड पे ए मैग्नीट्यूड है, और जो बी लिखा हुआ है वो बी की मैग्नीट्यूड है, और साथ कॉस थीटा है। तो हमने जो कि इसके अंदर ए कॉस थीटा फाइंड करना है, तो राइट साइड वाले टर्म में हम ए कॉस थीटा को यहीं पे रखेंगे, और बी को हम लेफ्ट साइड पे जाके ए डॉट बी पे डिवाइड कर देंगे। तो ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले ए डॉट बी लिया, यानी दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट लिया। तो जैसे हमने ऊपर किया कि एक्स कंपोनेंट को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले को वाई से, और जेड जो जेड कंपोनेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारा आंसर है वो -9 आ रहा है। और फिर हम बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर लेके इनको ऐड करेंगे और अंडर रूट लेंगे, तो हमारा आंसर 5 आ रहा है। फिर हम ये सारी वैल्यूज जो है पुट करेंगे इसके अंदर, ए डॉट बी का आंसर -9 है और बी की मैग्नीट्यूड जो है 5 आ रही है, तो हम एक और सीधा फाइंड करेंगे तो वो -9/5 आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 2.11 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि वेक्टर ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, और यानी हमारा वेक्टर ए जो है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ है, और बी जो है वो 3 यूनिट्स वेस्ट है, और सी जो है वो 8 यूनिट्स ईस्ट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डिस्क्राइब हमने करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, इसके अंदर हमने डायरेक्शन जो है लाजमी मैंशन करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है, और जो बी वेक्टर है टुवर्ड्स द वेस्ट है, तो उनके दरमियान में एंगल जो होगा वो 90 का होगा, ठीक है। ये अपने फाइंड करने हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो ए वेक्टर जो है नॉर्थ की तरफ है, और बी वेक्टर जो है वेस्ट की तरफ है, ठीक है। अब डायरेक्शन बना के साथ लाजमी मैंशन करना है जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कि ए जो है वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ है, क्योंकि डायरेक्शन आपने मैंशन करनी होती है कि नॉर्थ जो है वो अपवर्ड होता है, और जो ईस्ट है वो राइट वर्ड होता है, और जो वेस्ट है वो लेफ्ट वर्ड होता है। तो इसमें तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन को आपने शो करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी के दरमियान में एंगल जो है वो 90 का है, तो यहाँ पे हम साइन 90 पुट करेंगे, और साइन 90 जो होता है 1 होता है। तो सिंपल आप इसमें हम ए की और बी के मैग्नीट्यूड्स को यानी 4, 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा, और साथ हम ए को बी से बी की तरफ हम कर्ल करेंगे अपने राइट हैंड से, तो हमारा थंब जो होगा वो अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। साथ इसमें आपने डायरेक्शन लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप ए क्रॉस सी लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए और सी के दरमियान भी एंगल जो है वो 90 का है। यहाँ पे अगेन आप साइन 90 लेंगे और साइन 90 की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 × 8 = 32 आएगा। तो आपने एक और सी की तरफ अपने राइट हैंड से जब कर्ल करना है फिंगर्स को, तो एक हमारा थंब जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जिसमें आपने दिखता है बताना है कि हमारी जो डायरेक्शन आ रही है वो एक ए और सी की वर्टिकली डाउनवर्ड है। फिर आप बी क्रॉस सी लेंगे तो बी और सी के दरमियान आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है 180 का है, और साइन 180 ज़ीरो होता है, जो हमारा आंसर है वो 0 आएगा इसमें।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.12, इसमें हमने टास्क फाइंड करना है। इसमें आप देखें क्वेश्चन को गौर से, एक तो फॉर्मूला उन्होंने मेंशन किया हुआ है, टास्क आर आर क्रॉस एफ हो गया। फिर उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है -3i प्लस जे प्लस के, और पॉइंट दिया हुआ है 7i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, हमने इनका टास्क जो है फाइंड करना है, साथ उन्होंने यूनिट बताई हुई है कि न्यूटन मीटर यूनिट लिखनी है आपने। तो आपने सिंपल टास्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाला फार्मूला लिखना है। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इसको हम इस तरह मॉड फॉर्म में या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट रो जो होती है हमारी, वो आई जे के यूनिट वेक्टर्स की होती है, और जो सेकंड रो है इसमें आर के कंपोनेंट्स आएंगे 7, 3 और 1। ठीक है, 7, 3 और 1 आप दे सकते हैं कंपोनेंट्स हैं इसके। और थर्ड रो के जो कंपोनेंट है वो -3, 1 और 5 वो पुट करेंगे इसके अंदर। और फिर हमने इसको आई को लिखेंगे बाहर वाली साइड पे, और आई वाली रो कॉलम को छोड़ देंगे, और जो बाकी है 3 और 5, 3, 1, 3, 1 और 1, 5 ये लिखेंगे। उसके बाद हम फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा, तो -j लिखेंगे, और j वाली रो को, j वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी बचेगा 7, 1 और -3, 5 वो लिखेंगे। फिर हम k लिखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग k के साथ पॉजिटिव आएगा, तो इसमें k वाली रो और k वाला कॉलम छोड़ के तो 7, 3 और -3, 1 आएगा। फिर आप जिस तरह हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, इनको वैसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15 -1 आएगा। जे वाले केस में 7 × 5 = 35, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 आएगा। और के वाले केस में 7 × 1 = 7, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 9 आएगा। 7 + 9 = 16 आएगा, और 15 - 1 = 14, और 35 + 3 = 38। तो ये हमारा आंसर आएगा 14i - 38j + 16k। तो ये हमने टास्क को वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, साथ हम इसकी यूनिट वेक्टर, इसका जो यूनिट है वो लाजमी मेंशन करेंगे न्यूटन मीटर। उसके बाद 2.13 जो है, इसमें ये आप देखें कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, इसमें फोर्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं i - 2j, और इसमें जो पोजिशन वैक्टर दिया हुआ है वो -j + k है। तो आपने इसका फाइंड करना है, ए पार्ट में फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट द ओरिजिन, वो आपने फाइंड करना है। दूसरे केस में आपने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजिशन वेक्टर i + k दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ओरिजिन के जब फर्स्ट केस में आप फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, तो आपने क्या करना है कि आर क्रॉस एफ लेना है। तो इसमें आई तो है ही नहीं, जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है इसमें आई कंपोनेंट नहीं है, तो वो 0 आएगा। और बाकी जो कंपोनेंट्स इसके -1 और 1 है, और फोर्स जो है इसका, उसके भी दो कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। आप देख सकते हैं कि i - 2j दिए हुए, k वाला कंपोनेंट नहीं दिया हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स भी 1, -2 और 0 होंगे। वो पुट करेंगे आप इसके अंदर, और हम सिंपल जिस तरह हमने ऊपर टास्क फाइंड किया है, इसको टास्क वाले फार्मूले से हम इसको सिंपल फाइंड करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उस जो टास्क फाइंड करना है फोर्स का अबाउट द पॉइंट i + k। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें उन्होंने ऊपर दिया हुआ है आर वाला, और एक पॉइंट है आर प्राइम हमें दिया यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड केस में। तो हमने इनको दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है ताकि मूवमेंट आप फाइंड कर सकें। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट जो हमें दिया हुआ है उसमें से हमने फर्स्ट पॉइंट जो है माइनस करना है। ठीक है, तो ये फाइनल पॉइंट जो है इस केस में -j + k है, इसमें से हमने फर्स्ट पॉइंट i + k माइनस करना है। तो हमारा आंसर आ रहा है -j - i - j। फिर हमने अब इस केस में टास्क फाइंड करना है, इसको हम टास्क प्राइम से शो कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर आर को आर प्राइम से शो किया। ठीक है, मोमेंट आप फाइंड करने के लिए आर प्राइम से शो किया हमने, अब हम इसको यहाँ पे इसकी वजह से टार्क को भी टार्क प्राइम से शो कर रहे हैं। पर हमने छोटी सी लाइन लगाई है जो कि प्राइम है, तो टार्क प्राइम बोलेंगे इसको। तो इसमें आएगा i + j + k, ये तो फर्स्ट रो लाजमी होती है। उसके बाद जो हमारा जो हमने मोमेंट आप फाइंड किया i - j, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे -1, -1, और इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है तो इसका 0 आएगा। और फिर टार्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो -1 और -2 हैं, तो उसमें भी के वाला कंपोनेंट नहीं है तो 0 आएगा। इसको मैं इस तरीके से, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन टाक वाला किया है, ऐसे सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर है वो 3k आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर दोनों पार्ट्स का हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2.14, इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स आर 6√3, यानी ये डॉट की डॉट प्रोडक्ट का आंसर है, और जो 6 है वो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। तो हमने इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो पहले आप लिखेंगे डाटा के अंदर कि a.b = 6√3, फिर जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो a क्रॉस b वो 6 है, और इनके दरमियान में हमने एंगल फाइंड करना है।
तो हम इन दोनों के फार्मूलाज लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो ए बी साइन थीटा होगा। इसमें हम एन को मैंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन टू को वन पे डिवाइड करना है, तो ए बी साइन थीटा ओवर ए बी क्रॉस थीटा, ए बी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा ओवर क्रॉस थीटा टेन थीटा होगा, और लेफ्ट साइड पे सिक्स ओवर सिक्स अंडर रूट थ्री में सिक्स और सिक्स कैंसिल हो गया, बाकी वन ओवर अंडर रूट थ्री जो है बचेगा। तो हमने टेन को इधर लेके आएंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट थ्री। यानी इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने पहले आप थ्री का अंडर रूट लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे यानी उसको आप वन पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर आप शिफ्ट दबा के उसका टेन लेंगे तो थीटा की वैल्यू थर्टी आ रही है हमारे पास। ये इसका एंगल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो 2.15 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो एंड वाले क्वेश्चन है आपने लाजमी करने हैं। अक्सर क्वेश्चन जो है वही स्टूडेंट्स हैं ये वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये लंबे हैं शायद ये पेपर में नहीं आएंगे, तो आपने ये लाजमी करने हैं, ये आ सकते हैं पेपर में। इसमें एक लोड है 10 न्यूटन का, इस सस्पेंडेड फॉर्म में क्लॉथ लाइन एक कपड़े की लाइन है बारीक लाइन है, उसके साथ एक लोड 10 न्यूटन का जो है वो हैंग किया हुआ है, और दिस डिस्टॉर्ट्स दिस लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15। ये वेट की वजह से लाइन जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है, अंदर की तरफ झुक जाती है, और उसका एंगल जो है वो विद द हॉरिजॉन्टल लाइन वो 15 एंगल बन रहा है। फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन, हमने टेंशन टी जो कि यहाँ पे दोनों साइड पे शो हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। अब आप डायग्राम को देखें ज़रा गौर से, इसमें जो टेंशन टी है दोनों साइड्स पे उसका एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन 15 डिग्री। हम इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं, तो जो इसके टी कॉस 15 इसका राइट वर्ड है और टी कॉस 15 जो है लेफ्ट वर्ड है, ये दोनों कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो अपवर्ड कंपोनेंट है टी साइन 15 राइट पे और टी साइन 15 जो है लेफ्ट पे, ये दोनों कंपोनेंट जो है वो ऐड अप हो जाएंगे, और जो नीचे वाला एरो है वो उसकी वेट को शो कर रहा है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो कंपोनेंट जो है वो टू साइन 15 पॉजिटिव लेंगे हम इनको, और जो वेट है W वो माइनस में लेंगे, तो इनका जो सम होगा वो जीरो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी हमने इसमें कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ इसमें y इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों एफ एक्स जो है कंपोनेंट वो टी टू कॉस 15 और टी वन कॉस 15, तो इसमें चूँकि दोनों टी वन टी टू इक्वल हैं तो दोनों कंपोनेंट जो है इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका आंसर जीरो आएगा। और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो वाले केस में दोनों कंपोनेंट जो है ऐड होंगे टू टी साइन थीटा इक्वल टू लोड या वेट, तो टी विल बी इक्वल टू लोड ओवर टू साइन थीटा, लोड कितना है फाइव है, तो फाइव ओवर टू साइन थीटा हमको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर जो है टेंशन का वो 19.3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.16 का, इसमें आप देखें कि फैक्टर ऑफ वेट है 15,000 न्यूटन, और फैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉस ए सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 न्यूटन, कि एक तो ट्रैक्टर का वेट दिया हुआ है 15,000 न्यूटन, एक ब्रिज का वेट दिया हुआ है 8,000 न्यूटन, ब्रिज का वेट जो है वो इसके जो है ब्रिज जो बनी हुई है डायग्राम में आपको नज़र आ रही है इसके सेंटर पर एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद स्पैन ब्रिज इज सपोर्टेड हाफ ए मीटर फ्रॉम आइदर साइड, कि दोनों साइड पे ब्रिज जो है उसको सपोर्ट किया हुआ है हाफ मीटर छोड़ा हुआ है, ठीक है, हाफ मीटर जो है ना वो सपोर्ट के अंदर आ रहा है। द ब्रिज इज सपोर्टेड हाफ ए मीटर फ्रॉम आइदर एंड, ट्रैक्टर फ्रंट व्हील जो है टेक्स 1/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील का वेट है वो टोटल वेट का यानी 15,000 का 1/3 होगा, फ्रंट व्हील जो है यानी 15,000 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5,000 आएगा फ्रंट व्हील का वेट जो है, एंड द रियर व्हील जो है आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील्स, और जो पिछले पहिए हैं वो फ्रंट वाले पहियों से 3 मीटर बिहाइंड है। हमने फोर्स फाइंड करनी है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स वैन द रेयर व्हील्स आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन, के रेयर व्हील जो पीछे वाले व्हील्स हैं वो जो हैं ब्रिज के बिल्कुल मिडल में हैं, ठीक है। तो इसमें हमने डायग्राम को आपने देखना है गौर से, इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक्चुअली जो वेट्स एक्ट जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको आप देखें गौर से, एक तो ब्रिज के दोनों साइड्स पे सपोर्ट है नीचे, तो दोनों साइड्स पे हाफ मीटर जो है वो छोड़ा हुआ है तो वो कम हो गया, टोटल जो इसकी लेंथ है वो 20 मीटर रह गई, ठीक है, दोनों साइड से हमने हाफ मीटर छोड़ दिया, टोटल लेंथ जो थी ब्रिज की वो 21 थी, तो हाफ मीटर इस साइड से और हाफ मीटर उस साइड से हमने निकाला तो 1 मीटर निकल गया, बाकी जो स्पोर्ट्स के दरमियान जो इसकी लेंथ है ब्रिज की वो 20 मीटर रह गई, ठीक है। और फिर आप देखें कि अंदर उन्होंने कहा है कि जो इसके अब तक देखें जरा गौर से, जो इसका अपना वेट है
वो भी कितना है 10,000, ठीक है। और इसमें जो रेयर व्हील्स हैं उनका जो वेट है, जो फ्रंट वाले व्हील्स हैं उनका वेट 5,000 हो गया। टोटल वेट जो था ट्रैक्टर का 15,000 था ना, उसमें से जो फ्रंट वाले व्हील्स हैं उनका वेट जो है वो उसका 1/3 था, यानी 5,000 वो W3 से हम शो कर रहे हैं। और बाकी 15,000 में से हम 5,000 माइनस करेंगे, जो पीछे वाला वेट व्हील्स है हमारे उनका जो वेट लिखा हुआ है वो W4 से शो किया हुआ है, 10,000 हो गया। और इसका जो ब्रिज का वेट है वो 8,000 W2 से हमने शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने देखना है इसमें कि जो मोमेंट आर्म है इसका, वो हमने इसको एक हमने पॉइंट जो है उसको हमने कंसिडर करना है एज ए फिक्स पॉइंट, और उसके लिहाज से हमने मोमेंट आर्म जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आप डाटा के अंदर आएँ तो आप देख सकते हैं कि सारा हमने इसमें वन बाय वन लिखना है, डाटा एंटर करना है कि वेट ऑफ ट्रैक्टर जो है वो W1 15,000 हो गया, और वेट ऑफ ब्रिज जो है वो W2 8,000 हो गया, और लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो 21 मीटर है L1, और लेंथ ऑफ ट्रैक्टर जो है वो L2 वो 3 मीटर है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो पीछे वाले पहिए हैं वो आगे वाले पहिए से 3 मीटर के फासले पे हैं, इसका मतलब कि जो उसकी लेंथ है वो 3 मीटर है। और वेट ऑफ फ्रंट व्हील जो है W3 से इसको शो करेंगे वो 15,000 टोटल वेट का 1/3 है, यानी 5,000 आएगा। और जो वेट ऑफ रेयर व्हील्स हैं W4 से इसको शो करेंगे तो 15,000 में से हमने फ्रंट व्हील्स का जो वेट है 5,000 वो माइनस करना है, तो 10,000 जो है वो रेयर व्हील्स का वेट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और हमने F1 और F2 फाइंड करनी है, यानी हमने जो हमारे स्पोर्ट्स है ना डायग्राम में आप देखें स्पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स उनकी है F1 और F2 जो दोनों फोर्सेज जो हैं वो अपवर्ड हैं, वो फोर्सेज जो हैं वो हमने फाइंड करनी है इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें आप जरा डायग्राम को पहले और से देखें, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है उसके जो पीछे वाले व्हील्स हैं वो सेंटर में हैं, ठीक है। जो सपोर्ट्स हैं ए और बी उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स पे हमने हाफ मीटर जो है वो छोड़ा हुआ है। रिएक्शन फोर्स जो है F1 और F2 वो अपवर्ड हैं, उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जितनी भी वेट फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड हैं, उनको हम नेगेटिव मिले, उनका टॉर्क जो है वो हम नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। अब जो पीछे वाले जो व्हील्स हैं इसके वो सेंटर में हैं, तो दोनों साइड पे जो डिस्टेंस है दोनों स्पोर्ट्स के साथ वो 10 मीटर का है, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें हमने जब टॉर्क्स फाइंड करने हैं तो हमने इनके मूवमेंट टॉर्क फाइंड करने हैं, उनके लिए हम पॉइंट बी को हम फिक्स पॉइंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि टॉर्क के लिए हम लाजमी होता है कि एक पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, और एक पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट होता है जिसके लिए उस बॉडी ने घूमना होता है, वो फिक्स पॉइंट हम पॉइंट बी लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट बी का डिफरेंट फोर्सेस के साथ हम डिस्टेंस जो है यहाँ से आप नोट कर लें कि एक तो फोर्स F1 है वो तो पॉइंट बी से ही पास कर रही है, तो इसका मोमेंट आर्म जो है वो ज़ीरो होगा। एक फोर्स F2 है, इसका मोमेंट आर्म जो है वो टोटल जो लेंथ है बिटवीन द स्पोर्ट्स लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो आएगी हमारे पास 20 मीटर। F2 का जो मोमेंट आर्म है वो 20 है, F2 को हमने टॉर्क फाइंड करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं W2 एंड W4 8,000 एंड 10,000 टोटल हो गई 18,000, इनका मोमेंट आर्म जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, 3 और 7 10 होगा। उसके बाद जो वेट फोर्स W3 है वो 5,000 है, इसका मोमेंट आर्म जो है वो 7 है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन तमाम फोर्सेज का हम टॉर्क जो है वो जो है फाइंड करने के लिए हम इसको ये वाले फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं, इसमें चूंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है, जस्ट जो फोर्सेज हैं वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं, इसमें हम देखेंगे कि समेशन ऑफ FY इक्वल टू ज़ीरो, तो F1 और F2 अपवर्ड फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे, और जो वेट फोर्सेज हैं सारी की सारी वो नेगेटिव मिलेंगे, और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर F1 प्लस F2 इक्वल टू 23,000 न्यूटन जो है वो आ रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें हमने चूँकि पॉइंट बी को फिक्स लिया, तो फर्स्ट फोर्स F1 का टॉर्क जो है वो चूँकि F1 जो है पॉइंट बी से ही पास कर रही है, तो इसका मोमेंट आर्म जो है वो ज़ीरो होगा, तो इसका टॉर्क 1 भी ज़ीरो होगा। फिर सेकंड फोर्स जो F2 है उसका मैं बता चुकी हूँ आपको कि उसका जो मोमेंट आर्म है वो 20 है, तो F2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो W2 और W4 हैं दोनों को ऐड करेंगे, वो सेंटर पे ऐड कर रही हैं, तो उनका टॉर्क जो है वो हम माइनस में लेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स F2 अपवर्ड थी पॉजिटिवली हमने, और वेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो उनका टॉर्क जो है वो माइनस में आएगा, तो -18,000 मल्टीप्लाई 10, इसका मोमेंट आर्म 10 है। फिर टॉर्क ऑफ फोर्स W3 जो है वो -5,000 मल्टीप्लाई 7, इसका मोमेंट आर्म जो है वो 7 है। तमाम टॉर्क्स को हम ऐड करेंगे, इनका सम जो है 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम।
तो इसमें हम देखते हैं कि टा वन जो है 0 है, टा टू जो है वो एफ टू क्रॉस 20 है, टा थ्री जो है -18,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इसमें 180,000 आ गया, और टा फोर जो है वो हमने -5,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35,000 आ गया। इस पूरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हम एफ टू की वैल्यू निकालेंगे। एफ टू का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 10.75 kN। ठीक है, 10 से 10750 N आ रहा था, उसको हमने जो है वो 1000 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया 10³ से 1000 से, उसकी जगह हमने किलो लिख दिया, ये बन गया जो हमने डिवाइड किया था उसकी जगह हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 10.75 kN। ठीक है, तो एफ वन की जो एफ टू की जो वैल्यू है वो जो हमने इक्वेशन वन फाइंड की थी, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 23,000, उसके अंदर हम एफ टू की वैल्यू को पुट करके हम एफ वन का जो आंसर है वो निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो एफ वन प्लस 10750 इसमें ऐड करेंगे इक्वल टू 23,000, इनको माइनस करेंगे तो एफ वन का जो आंसर आ रहा है वो 12.25 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है एफ वन का और एफ टू का आंसर आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको अच्छी तरह समझ के आपने करना है ताकि ये अगर आप पेपर में आए तो आपको आता हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.17, ठीक है, इसमें क्या है कि स्फेरिकल बॉल है ऑफ वेट 15 N इज टू बी लिफ्टेड ओवर ए ओवर द स्टेप एज शोन इन द फिगर। हमने ये बॉल है, इसको हमने जो है स्टेप के ऊपर से हमने इसको उठाना है। इसमें आपको फोर्स एफ जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, फोर्स एफ जो है आपकी इसकी लेफ्ट फुट जो है वो एक्ट कर रही है, और बॉल को उसने घुमा के स्टेप के ऊपर लेके आना है, यानी बॉल के अंदर इसने टार्क पैदा करना है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इसका रेडियस है वो 20 cm है, और जो फोर्स एफ जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 10 cm है। ठीक है, और जो स्टेप है उसकी जो हाइट है वो 5 cm है। ठीक है, तो ये हो गया। आप उसके बाद उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स एफ हमने फाइंड करनी है नीडिड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर। जस्ट हमने बॉल को फ्लोर से ऊपर उठाना है, तो उसको उठाने के लिए हमें मिनिमम फोर्स है एफ कितनी चाहिए हमें। तो इससे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेट्स कौन कौन सी फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। एक तो बॉल की वेट है, वेट फोर्स है, स्फेरिकल बॉल की जो वेट है इसका उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 50 N है। तो ये हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और रेडियस जो है 20 cm है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 m हो गया, और जो स्टेप की हाइट है 5 cm वो भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 0.05 m हो गया। हमने मिनिमम फोर्स फाइंड करनी है रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल। ठीक है, अब आप देखें इसमें डायग्राम्स के अंदर जो फोर्सेज जो है एक्ट कर रही हैं किस तरीके से हम इनका फाइंड करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आप डायग्राम को देखें गौर से, इसमें कौन कौन सी फोर्सेज जो है एक्ट कर रही हैं। तो इसमें एक तो फोर्स एफ एक्ट कर रही है जो कि बॉल को स्टेप के ऊपर मिनिमम फोर्स है जो कि इसको टर्न करवाएगी। ठीक है, एक फोर्स जो है डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वेट फोर्स है वो 50 N है। तो हमने इन दोनों फोर्सेस का टार्क फाइंड करने के लिए हमने इनका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसका मोमेंट आर्म है वो हमने फाइंड करना है। तो मोमेंट आर्म जो होता है वो फिक्स पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो होता है। ठीक है, इस केस में आप डायग्राम को देखें गौर से, बॉल ने टर्न करना है अबाउट द पॉइंट सी, तो हम सी पॉइंट को हम लेंगे फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो जो फोर्स एफ एक्ट कर रही है एक्चुअली वो पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, तो पॉइंट ए का पॉइंट सी से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो हम लेंगे इसमें वो ए डी होगा, यानी कि हमने टोटल ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए और ओ डिस्टेंस जो है वो 10 है, तो ओ डी डिस्टेंस जो है वो 15 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 25 cm आएगा, और 25 cm को हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो 0.25 m आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फोर्स एफ का जो मोमेंट आर्म है वो 0.25 m है। उसके बाद जो नीचे वाली फोर्स है वेट वाली फोर्स 50 N, ये पॉइंट एक्ट कर रही है पॉइंट ओ के ऊपर, और इसका जो पॉइंट फिक्स पॉइंट सी है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा ओ सी डी। ठीक है, यानी कि पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वेट फोर्स उसका जो इसकी लाइन है फोर्स की वो ओ डी है, उस लाइन ओ डी का पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो सी डी होगा। तो इस केस में हमने सी डी फाइंड करना है, तो सी डी फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ओ सी डी, इसमें जो हाइपोटेन्यूस है वो 20 cm है, और जो इसमें परपेंडिकुलर है इसका ओ डी वो 15 cm है। तो हमने चूँकि सी डी फाइंड करना है तो इस केस में सी डी जो है वो बेस आ रही है, तो हमने इस पर जो फिसागोरस का प्रॉब्लम है जो है थ्योरम वो हमने अप्लाई करना है इसमें,
यानी हाइपोटनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, यानी ये आएगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ इसको अप्लाई करके हमने सी डी का आंसर निकालना है, या फिर हमने इसको एज ए मोमेंट आर्म हमने वेट फोर्स के लिए लेना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी के अंदर हमने ओ सी फाइंड करने के लिए ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो हमने ओ सी की वैल्यू 20 पुट की और ओ डी की वैल्यू 15 पुट की। ठीक है, ओ सी की वैल्यू 20 और ओ डी की वैल्यू 15 वो पुट की, उनका स्क्वायर लेके उनको माइनस किया तो सी डी का जो आंसर आ रहा है 0.13 मीटर आ रहा है, मतलब इसका आंसर 13.2 है। इसको हमने 13.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 पे डिवाइड किया तो 0.13 मीटर जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फर्स्ट सेकंड कंडीशन जो है अप्लाई की, क्योंकि इसमें हमने टास्क फाइंड करने हैं, इसके लिए सेकंड कंडीशन हम यूज़ करेंगे समेशन ऑफ ऑल द टास्क इक्वल टू जीरो। वेट फोर्स डाउनवर्ड है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, उसका मोमेंट आर्म जो है सी डी है 0.13 और फोर्स जो है वो अपवर्ड है उसका हम उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसका मोमेंट आर्म जो है वो सी बी है 0.25। ठीक है, तो ये -50 मल्टीप्लाई 0.13 ये एक टास्क हो गया और एफ मल्टीप्लाई 0.25 दूसरा टास्क हो गया। तो एक टास्क जो है पॉजिटिव है, एक टास्क जो है नेगेटिव है, नेगेटिव टास्क को हम राइट साइड पे ले आएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और हमने एफ़ के साथ 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम राइट पे ला के डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो फोर्स इक्वल टू 26 न्यूटन जो है वो आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, इसको आप अच्छी तरह देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, इसको आप अच्छी तरह गौर से सुनें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2.18, उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच टू ए फ्रिक्शनलेस वॉल। एक देख सकते हैं आपके एक वॉल है, उसके साथ एक स्फीयर जो है वो हेल्ड है और स्फीयर का जो वेट है वो 10 न्यूटन है। सो दैट स्ट्रिंग मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल। स्ट्रिंग की टेंशन हमने फाइंड करनी है और वॉल जो फोर्स लगा रही है स्फीयर के ऊपर रिएक्शन फोर्स वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी वेट की वजह से बॉल जो है वो दीवार को प्रेस कर रहा है वो एक्शन फोर्स होगी और जो दीवार बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन फोर्स होगी, वो हमने फाइंड करनी है। अब आप देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं फोर्सेज के। जी तो स्टूडेंट्स देखें इस डायग्राम को गौर से, इसमें आप देखें कि जो बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है बाय द वॉल उस फोर्स को एफ से शो किया हुआ है। ठीक है, और जो टेंशन टी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका वॉल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 का एंगल बन रहा है, तो इस टेंशन टी के हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, टेंशन टी जो है वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये भी अपवर्ड होगा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा है वो वॉल के साइड पर होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टी साइन थीटा है वो वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है कंपोनेंट, यानी ये वो कंपोनेंट है जो बॉल जो है वो लगा रही है ऑन द वॉल, तो ये वॉल भी इतनी फोर्स लगाएगी यानी ये वॉल की रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, और जो टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसके वेट डब्ल्यू से बैलेंस होगा, यानी कि टी कॉस थीटा कंपोनेंट एंड डब्ल्यू आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हम टी कॉस थीटा को हम पॉजिटिव लेते हैं तो डब्ल्यू को हम माइनस में लेंगे। तो हम देखते हैं इसमें हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्सेज हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, इसमें हम देख सकते हैं कि एफ फोर्स है और माइनस टी साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि एफ फोर्स जो है वो हम इसमें लेंगे टी साइन थीटा जो है वो और जो फोर्स एफ है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, एफ फोर्स जो है वो राइट वर्ड है और टी साइन थीटा जो है वो लेफ्ट वर्ड है, तो दोनों फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट होंगी एक दूसरे के, तो ये एफ माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ इक्वल टू टी साइन थीटा, और जो दूसरी फोर्स है टी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो अपवर्ड है, मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, टी कॉस थीटा अपवर्ड है और वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये हम देंगे इनको टी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो लेंगे और फिर हम डब्ल्यू को राइट पे लेके आएंगे तो टी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ से हम टी फाइंड करेंगे तो डब्ल्यू ओवर कॉस थीटा, और इसमें W और 30 का थीटा का जो आंसर है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और टेंशन T जो है वो हम निकालेंगे 11.55 न्यूटन जो है वो आ रही है, और हमने ऊपर देखा है कि F जो है वो इक्वल टू T साइन थीटा है, तो हम थीटा की वैल्यूज के अंदर T की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा F इक्वल टू T साइन थीटा,
तो थीटा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी भी हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों की वैल्यूज जो है हम इसमें पुट करेंगे। तो एफ जो है फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल ऑन द बॉल, ये 5.8 न्यूटन जो है फोर्स आ रही है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए उनके अच्छी तरह। तो ये आखिरी जो तीन चार क्वेश्चन हैं थोड़े टफ हैं, इनको आपने डायग्राम को समझ के पेपर में आपने इनकी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इनकी डायग्राम भी बनानी है, और जो बॉल वाला क्वेश्चन है उसकी डायग्राम भी बनानी है आपने, और जो इसको हम स्टेप से हम उसको उठा रहे हैं स्फेरिकल बॉल को, ये डायग्राम भी आपने बनानी है, इसको समझ के इसमें कौन सा डिस्टेंस जो है किस तरीके से है वो भी आपने करना है इसके अंदर। तो ये इनको आपने अच्छी तरह करना है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे, तो इनको आप गौर से सुने और इनको तैयार करें। ठीक है, थैंक यू। Thank you.